सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे एडिटिंग लैपटॉप के बारे में, जिससे मैं अपनी वीडियोस एडिट करता हूं। और आप तो मतलब 180p में देखते होंगे, ये कैपेबल है 4K वीडियो एडिटिंग करने के लिए। अभी गाइस, ये लैपटॉप मैंने 8 महीने पहले परचेज किया था, जो वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी। अभी गाइस 8 महीने हो गए मुझे इसको यूज करते करते, और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और रिव्यू दूंगा इस लैपटॉप का। ये लैपटॉप है Lenovo Legion 5, जो मैंने 8 महीने पहले वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने इसके सिर्फ स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताए थे और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी। पर ये जो रिव्यू होगा ना, ये एक्सपीरियंस करने के बाद होगा, क्योंकि 8 महीने में सब कुछ पता चल जाता है कि लैपटॉप परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। अभी गाइज, मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ ना भाई, एक नंबर की है। जैसा इसको लाया था ना, ये ऐसा का ऐसा है। अभी गाइज मैं इसके ना स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ आपसे। स्पेसिफिकेशंस गाइज, जब मैंने लैपटॉप परचेज किया था ना, तब ये बात चल रही थी कि 3-4 महीने बाद इसी का अपर वर्जन आएगा मार्केट में, तो वो लेने में फायदा है इसको ना लेके। पर मैंने ये लिया क्योंकि मुझे नीड थी लैपटॉप की, और कुछ महीने बाद इसका अपर वर्जन आया। अपर वर्जन में क्या था गाइस, ये लैपटॉप है Lenovo Legion 5 Ryzen 7 4800H, मतलब Ryzen 7 है 4th जनरेशन का, जिसमें 8 कोर और 16 थ्रेड्स है। अभी जो नया वर्जन आया है उसमें 5800H दे रखा है, उसमें भी 8 कोर है और 16 थ्रेड्स है। अभी गाइस फर्क किस चीज का है, इसमें बेस क्लॉक मिलेगी आपको 2.9 GHz की, उसमें बेस क्लॉक मिलेगी आपको 3.2 GHz की, मतलब 0.3 GHz, 0.3 का फर्क है, जो कि पता भी नहीं चलता। अभी मैक्स क्लॉक इसकी है 4.2 GHz की, उसकी है 4.4 GHz की, मतलब 0.2, कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंस बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला। नया वर्जन आया और अभी नए वर्जन का रेट क्या चल रहा है, सुपर डील में चल रहा है 99,990, मतलब 1 लाख रुपए में 10 रुपए का। अभी 1 लाख रुपए का लैपटॉप और माइनर सी स्पेसिफिकेशंस अपडेट हो रखी है। मतलब मैंने जब ये लिया ना, मेरा डिसीजन बहुत ओके था और सही टाइम पे लिया मैंने लैपटॉप। अभी तो ये मैंने कई वेबसाइट्स पे चेक किया, अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। गाइज बाकी चीजें छोड़ते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, इसको मैंने परचेज किया था 82,000 में, और 82,000 की वैल्यू के हिसाब से सबसे बेस्ट लैपटॉप ये है। इसकी और बता देता हूँ गाइज, इसमें हरमान ऑडियो है। अगर आप हेडफोन भी यूज नहीं करोगे ना और म्यूजिक सुनोगे, तो पंची बेस सुनाई देगी और सराउंड साउंड सुनाई देगी। और जो इसके फैंस है ना, चारों तरफ पीछे और साइडों में दे रखे हैं हीट आउटपुट के लिए। क्या होता है, लैपटॉप में ना नीचे हीट फेंकता है, तो जिससे लैपटॉप गर्म होता है, और फिर लैपटॉप कूलर लोग रखते हैं। अभी इसको मैं ऐसा का ऐसा इस पे एडिटिंग करता हूं, और अब ये देख लो गाइज, मतलब ऐसा का ऐसा रखा है ना, मैंने कोई कूलर लगा रखा, और ये लैपटॉप गर्म ही नहीं होता। जब मैंने परचेज किया था ना, मैंने कई वीडियो में देखा था, सबने बोला था भाई ये गर्म नहीं होता लैपटॉप। मुझे लगा कि भाई टाइम टू टाइम थोड़ा गर्म होने लग जाएगा, पर अभी भी ऐसा का ऐसा है, गर्म नहीं होता लैपटॉप बिल्कुल भी। अभी बैटरी बैकअप गाइज, इस रेंज में 82,000 तक का सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप का लैपटॉप है ये। अभी मैं इसको चार्ज लगाता हूँ ना, एक तो फास्ट चार्ज होता है ये, इस रेंज का बताया था शायद, ये सबसे बेस्ट फास्ट चार्जर के साथ आता है और सबसे फास्ट चार्जिंग करता है, और सबसे देर तक इसकी बैटरी चलती है। एडिटिंग करने के बाद भी बैटरी जल्दी से खत्म नहीं होती इसकी लैपटॉप की। और गाइज इसके अंदर माइक्रोफोन मिलेगा एरे, जब आप स्काइप वगैरह पे वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो ना, तो जो इसके अंदर इनबिल्ट माइक है ना, उस पर आप रिलाई कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो, बहुत बढ़िया आवाज आएगी सामने वाले को। अभी एक और प्लस पॉइंट है, जो इसका वेबकैम है ना, आजकल क्या होता है गाइस, जो मार्क जकरबर्ग है ना, वो भी अपने लैपटॉप के वेबकैम पे टेप चिपका के रखता है, क्योंकि आजकल ऐसे मालिशियस सॉफ्टवेयर आ रखे हैं जो मतलब वेबकैम को एक्सेस कर जाते हैं और आपकी सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो ये प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है। तो इस चक्कर में इसमें ना शटर दे रखा है वेबकैम का, उसको आप फिजिकली बंद कर सकते हो, वेबकैम चलने के बाद भी ब्लैक दिखाई देगा, और जब आपको वेबकैम यूज करना हो तो उसको मैन्युअली खोल सकते हो। गाइज मैं फिलहाल इसमें यूज कर रहा हूँ वेगस प्रो, प्रीमियर प्रो, After Effects, Photoshop, Lightroom, FL Studio, SketchUp Pro 2021, जो कि Google का सॉफ्टवेयर है आर्किटेक्चर के लिए, हाउस प्लान करने के लिए, 3D डिजाइन करने के लिए, और भी बहुत सारे हैवी सॉफ्टवेयर्स गाइस मैं इस पे यूज करता हूँ। अभी इसका मैं बता देता हूँ, ये है 8GB वर्जन, 8GB रैम है इसमें, 256GB SSD है और 1TB हार्ड डिस्क है। इसमें मुझे ऑप्शन मिल रहा था 8GB रैम और 512GB हार्ड डिस्क। अभी गाइज मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि 1TB हार्ड डिस्क मुझे चाहिए थी मेरा डाटा स्टोर करने में। मैं ब्लॉग वगैरह की वीडियो जब बनाता हूँ ना, तो बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारी जीबी यूज होती है उसमें, जो मैं स्टोर कर लेता हूँ हार्ड डिस्क में। और जो 256GB की SSD है, उसमें मेरे मेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं। ये मेरी चॉइस के हिसाब से इस लैपटॉप की हर एक स्पेसिफिकेशंस मेरे लिए बेस्ट है। अभी इसमें जो 8GB रैम है ना, सिर्फ मैं 4000 रुपए लगा के 16GB करवा सकता हूँ, जो की एक्सपेंडेबल मेमोरी है। अभी गाइस मैं बात करूँ ना बैटरी बैकअप इंजॉय कर रहा हूँ, जो ऑडियो इंजॉय कर रहा हूँ, जो इसका माइक्रोफोन, इसका कैमरे का शटर, और गाइस ये लैपटॉप ना 82,000 में, मतलब
इतनी तगड़ी आपको प्रीमियम वाली फीलिंग देगा ना, आपको लगेगा कि भाई कितना महंगा लैपटॉप आप यूज कर रहे हो। इसके बारे में तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, किसी भी यूट्यूबर का रिव्यू देख सकते हो, वो अपने आप ही बता देगा कि ये है क्या चीज। जब मैंने लिया था ना, इसके रिव्यू इतने थे नहीं, पर अब जब मैंने लिया है ना खुद से एनालिसिस करके इसकी, अब मैं इसके रिव्यू देखता हूँ, यूट्यूबर इसको ही प्रीफर कर रहे हैं आजकल। अगर गाइज आप मेरी तरह हो ना, जो मतलब ऐसे एडिटिंग वेडिटिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो, ऑडियो प्रोड्यूस करते हो, या कोई भी मतलब हैवी टास्क करते हो, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो बिल्कुल ही। फिलहाल तो आपको अपग्रेडेड वर्जन मिल रहा है जो कि 1 लाख के आसपास तक का है। अगर ये वाला आपको कहीं से मिलता है ना तो भाई बढ़िया डील होगी आपके लिए। अब शायद इसके 5,000 कम हो रखे होंगे, और जो मैंने सोचा था ना नया मॉडल आने के बाद इसके रेट टूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सबसे ज्यादा 5,000 का डिफरेंस आया इसका, नहीं तो ये अभी भी इतनी ही वैल्यू का लैपटॉप है। अभी गाइज इस लैपटॉप में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं गेम्स तो खेल ही सकता हूँ, बढ़िया FPS पे, अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल सकता हूँ। ये जो आसस टफ गेमिंग वगैरह जो ये लैपटॉप है 50,000 से 70,000 तक के, उनसे तो काफी ज्यादा आगे है। उनसे अगर कंपेयर कर रहे हो ना तो इसको वन साइड विन मान लेना, मैं इसको ही प्रीफर करूंगा। और आप किसी भी यूट्यूबर का रिव्यू भी चेक कर सकते हो। अभी गाइज लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन देता हूँ इस लैपटॉप के बारे में। मेरे को गाइज इस लैपटॉप को जब से मैं यूज कर रहा हूँ ना, मेरे को स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है। और जब मैं इसकी लिड ओपन करता हूँ ना, मेरे को नीचे का हिस्सा पकड़ना नहीं पड़ता, ऐसे पकड़ के और मैं अपने आप ऐसे खोल लेता हूँ, जिससे आसानी से खुल जाता है। और बहुत ही स्टेबल लैपटॉप है ये, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस देता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चलता फिरता डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ। ये पोर्टेबल डेस्कटॉप है क्योंकि जो H सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं ना, वो आपको डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस देते हैं। अभी मैं पहले डेस्कटॉप यूज करता था और मैं डेस्कटॉप ही प्रीफर करता था सबको। इस लैपटॉप को यूज करने के बाद मुझे एक फील आने लग गई है कि लैपटॉप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और बैटरी बैकअप तो मजा आ रहा है यूज करके, और गर्म नहीं होता, कोई कूलर यूज नहीं करना पड़ रहा। ऐसे कैसे रख के चाहे आप इसमें पूरे दिन गेमिंग करो, हल्का फुल्का वॉर्म होता है, हीट तो मारता ही नहीं है ये। ये जो मैंने चूज किया था गाइज 15.6 इंच की स्क्रीन वाला लैपटॉप, अभी गाइज ये भी मेरी खुद की चॉइस थी। अगर आप सच में किसी चीज की नॉलेज रखते हो ना, तो लैपटॉप भाई 15.6 इंच का लैपटॉप सबसे बेस्ट लैपटॉप होता है। अगर 17 इंच का ले रहे हो ना भाई, इससे बढ़िया डेस्कटॉप ही ले लो। हर किसी के लिए मैं 15.6 इंच की स्क्रीन वाला ही प्रीफर करूंगा, और कई केस में लोग छोटी स्क्रीन भी ले लेते हैं, पर एडिटर वेडिटर और बाकी प्रोडक्शन वाले बंदे इस साइज का लैपटॉप आराम से ले सकते हैं, एक्सटर्नल कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। नहीं तो इतनी स्क्रीन भी बहुत अच्छे से काम दे देगी आपको। जो बड़ा स्क्रीन वाला लैपटॉप लेते हैं ना, जैसे 17 इंच वगैरह, वही बंदे लो जिनको एक टेबल पर रख के अपना लैपटॉप चलाना है, कहीं ले जाना वे जाना नहीं है। लैपटॉप छोटे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और इसका डिजाइन भाई गदर डिजाइन है इसका। मैं मतलब ये चीज मेरी है, इसलिए मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा गाइज। आप किसी भी चैनल पर जाके चेक कर सकते हो इसका रिव्यू वगैरह। अब गाइज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि पिछली वीडियो में जब ये मैंने अपलोड करी थी वीडियो, बहुत सारे लोगों की मेल आई मेरे पास, भाई रिव्यू डालो, कैसा चल रहा है लैपटॉप, इतने महीने हो गए आपको, रिव्यू डालो। उसका आंसर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।